अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX Mentor। मैं आपका टीचर इमरान, और आज कुछ बातें करने आया हूँ यार। बहुत सारे लोगों ने मुझसे इतने सारे सवाल पूछे हैं, और सवाल सिर्फ एक, सर हम फ्रीलांसिंग कैसे शुरू करें। और जब उनसे पूछा जाता है कि जी आपका एक्सपीरियंस क्या है, सर मैंने इलस्ट्रेटर अभी सीखना शुरू किया है, या मैंने इलस्ट्रेटर सीख लिया है, फोटोशॉप सीख रहा हूँ या रही हूँ ना। अब इस टॉपिक को थोड़ा सा साइड में रखते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात पहले समझ लें, और ये आप भी अग्री करेंगे इस बात से जो भी मैं कहने वाला हूँ। मिसाल के तौर पे एक बंदा ड्राइविंग सीखता है, नहीं गाड़ी चलाना सीखता है, ठोकता भी है, एक्सीडेंट्स भी होते हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग नहीं ठोकते हो। इमेजिन करें कि उसने अभी नई गाड़ी चलाना सीखी है, और वो अपनी गलियों में यानी स्ट्रीट्स पर जहाँ ट्रैफिक कम है वहाँ ड्राइव कर रहा है, और अभी वो मजीद सीख रहा है। एंड ऑल ऑफ अ सडन वो शख्स ये कहे कि जी मुझे फॉर्मूला 1 रेसिंग में हिस्सा लेना है। सोचो जरा ना, फॉर्मूला 1 रेसिंग की कार्स ही अलग होती हैं। चलें फॉर्मूला 1 छोड़ देते हैं, ग्रैंड प्री की बात कर लेते हैं, या दूसरी ग्लोबली बहुत सारी कार रेसेस होती हैं उनकी बात कर लेते हैं। फॉर्मूला 1 तो एक अलग ही लीग है बिल्कुल, ठीक है। अब इमेजिन करो कि यार वो शख्स क्या इस बात के ऊपर रेडी है कि वो ग्रैंड प्री में रेस करे, या मिलान में जाकर के जो रेस होती है वहां पर जाके रेस में हिस्सा ले। नहीं हो सकता, ये आप लोग भी एग्री करते हैं। सो उसको पहले क्या करना होगा, उसको पहले तो ड्राइविंग पूरी अच्छे से सीखनी होगी, फिर उसको अपने सिटी की जो बड़ी रोड्स हैं उन पर चलाने की प्रैक्टिस करनी होगी। और यकीन जाने जब मैंने गाड़ी चलाना सीखी थी तो लिटरली बड़ी रोड्स पर जाते हुए डर लगता था, और खतरा भी था। बाय द वे ये बहुत सारे लोगों के साथ नहीं होता, बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि बहुत जल्दी वो अपने पापा की गाड़ी छप्पड़ में चुरा के निकल जाते हैं, उनको बताए बगैर निकल जाते हैं और वो सीख जाते हैं। मैं इस तरह से, मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, बट मुझे बाद में सीखनी पड़ी, ठीक है। एंड कई सारे लोगों को मैंने देखा है कि बहुत छोटी एज में बहुत एक्सेलेंट ड्राइविंग कर रहे होते हैं। तो ये ड्राइविंग को अभी ज़रा सा दिमाग में रखिएगा, मैं आता हूँ आपकी फ्रीलांसिंग के ऊपर बाद में, ठीक है। अच्छा, अब इस शख्स ने जिसने नई गाड़ी चलाना सीखी है तो वो पहले तो अपने सिटी की रोड्स के ऊपर चलाएगा, फिर उसके बाद हाईवेज पर जाना शुरू करेगा। दिस विल टेक एटलीस्ट अ ईयर, मतलब मैं समझता हूँ कि चलें एक साल नहीं, कम से कम 6 महीने तो लगेंगे यार, ठीक है। 6 महीने तो लगेंगे कि उसको हाईवे पर जाने की हिम्मत होगी। नाउ हाईवे पर ड्राइविंग इतनी ईजी नहीं होती, आपको पता है एक सिटी से दूसरी सिटी जब आप जा रहे हैं तो वहाँ पर हैवी ट्रैफिक भी होता है, वहाँ के रूल्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं, एक स्पीड लिमिट आपको मेंटेन करके रखनी पड़ती है। यहाँ कराची में अगर हम चला रहे हैं गाड़ी, यार 40 की स्पीड से ऊपर चला लें तो पता नहीं, ऐसा लगता है हम भगा रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक जैम ये वो, हर कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, बहुत डिफ़िकल्ट है। और वो शख्स जिसने अभी सीखी है चलाना, वो डिमांड कर रहा है कि जी मैं ग्रैंड प्री में हिस्सा लूँगा। बिल्कुल ले सकता है, मैंने मना नहीं किया, लेकिन टाइम, इट विल टेक टाइम। कितना टाइम डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे। उसने अगर प्रैक्टिस ज़्यादा की है, सही है, हाईवेज पर भी जल्दी जाना शुरू हो गया, हाईवेज के बाद छोटी छोटी सी स्ट्रीट रेसेस जो होती हैं उसमें हिस्सा लिया, गाड़ी समझना शुरू की, गाड़ी के पार्ट्स क्या हैं, गाड़ी को अच्छे से समझना ज़रूरी है यार उसके लिए, बिकॉज वो प्लान कर रहा है एक बड़े लेवल की चीज़, ठीक है ना। नाउ ऐसा शख्स जो कि बिल्कुल अभी स्टार्ट हुआ है, उसको अगर हम किसी तरह से ग्रैंड प्री में डाल देते हैं तो क्या होगा उसके साथ, डेफिनेटली वो सब बस्ट कर देगा, वो हो सकता है अपनी जान भी गंवा बैठे। लेकिन ऑफ कोर्स ये फिजिकली ड्राइविंग की बात हो रही है, मैं बात कर रहा हूँ अब आ जाएं अपनी फ्रीलांसिंग पे। तो भैया ये जो फ्रीलांसिंग है ना, ये भी एक ग्रैंड प्री रेस है, बाकायदा रेस है, बिकॉज आप अकेले नहीं हो पार्टिसिपेट करने वाले, बहुत सारे दुनिया के मंझे हुए खिलाड़ी इस मार्केट में बैठे हैं। अब वो मार्केट भी कौन सी, मिसाल के तौर पे अगर हम फाइबर की बात कर लेते हैं तो आपको क्या लगता है फाइबर पे सारे नए बच्चे बैठे हुए हैं और हर कोई $5 में काम कर रहा है? नहीं, 99 डिजाइन इज, मैं कहता हूँ ग्रैंड प्री है या अपवर्क हो गया, ये ग्रैंड प्री रेसेस हैं भैया, ये बहुत बड़े लेवल पर है। कभी कभार तुक्के लग जाते हैं, लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा पहले
get yourself ready to participate in such race. ये बहुत ज़्यादा important है. Now, छोटी-छोटी races कैसे होंगी? देखें, मैं आपको एक simple सी चीज़ बताता हूँ कि अगर आप ये plan कर रहे हैं कि जी आपने freelance करना है, तो प्लीज़ खुदा के वास्ते पहले तो टाइम लगाएं. मुझसे कई सारे लोग जब पूछते हैं ना, सर हमें ऑनलाइन अर्निंग करनी है और बता दें कौन सा सॉफ्टवेयर सीखूं, दिल किरची किरची हो जाता है, टूट जाता है कि यार लोग कैसे सोच रहे हैं. देखें, मैं हमेशा से ये कहता हूं कि एक ग्राफिक डिज़ाइनर एक MBBS डॉक्टर से ज़्यादा अच्छा कमा सकता है, जो कि फैक्ट है, आप सबको पता है. क्या ये सही है कि एक MBBS डॉक्टर हमसे कम पैसे कमाए और हम ज़्यादा कमाए? कीपिंग इन माइंड कि उस MBBS डॉक्टर ने ठीक ठाक पता नहीं कितने साल पढ़ाई की है, इतनी मोटी मोटी बुक्स का मुताला किया है, और फिर कहीं जाकर के वो डॉक्टर लगा. सोचो यार, ये ज्यादती है. सो भैया, इस दुनिया में ऐसी ज्यादतियाँ होती नहीं हैं एक्चुअली. जितना उन्होंने स्टडी किया है, जितने आवर्स उन्होंने लगाए हैं अपनी स्टडीज पे, आपको लगाने पड़ेंगे. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ इस बात को समझें. फिर प्रॉब्लम क्या होता है कि मुझे कई मरतबा स्टूडेंट्स ये मैसेज करते हैं कि सर मैंने फाइवर पे अपनी गिग डाली है लेकिन कोई सेल ही नहीं हो रही है. तो भैया, आपका काम अच्छा नहीं है. जिसने पैसे देने हैं वो भी देखभाल के ही पैसे देगा. आप सिंपल सी बात ये सोचें ना कि आप मार्केट में गए हैं, आप चीज़ लेने गए हैं, 10,000 लोग बैठे हुए हैं जो कि बहुत ही घटिया किस्म का माल बेच रहे हैं, आप उनसे लोगे? नहीं. आप उस एक के पास जाओगे जिसके पास बेहतरीन माल रखा हुआ है और उसके पास रश भी है. सोचो जरा, जो अपना पैसा खर्च कर रहा है वो आपको, आपके ऊपर तरस खा के आपको पैसे नहीं देगा, वो आपको पैसे दे रहा है तो आपसे सर्विसेज भी चाहता है, और सर्विसेज उसको अच्छी वाली चाहिए. सो ये एक रेस है, इसको यूं समझ लें कि ये एक रेस है, और इस रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रो लेवल पे एक्सरसाइजेस करनी होंगी. एक्सरसाइजेस से मुराद प्रैक्टिस करनी होंगी, बहुत ज़्यादा अपने स्किल्स को तराशना होगा. एक चीज़ याद रखिएगा, देखें, स्किल्स सीखे जा सकते हैं, टैलेंट वो चीज़ है जो कि बाय बर्थ आपके अंदर गॉड गिफ्टेड होता है. ठीक है, हर एक के अंदर कोई ना कोई टैलेंट है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं, आपके अंदर हो सकता है कोई ऐसा टैलेंट हो जिसका कोई मुकाबला ही ना कर सकता हो. हर एक के अंदर टैलेंट है ज़रूर. हो सकता है आप में डिज़ाइनिंग का टैलेंट ना हो, कुछ और चीज़ का टैलेंट हो, सोचे जरा. नाउ, अब स्किल्स जैसे मैंने कहा कि सीखे जा सकते हैं, सो ये जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, ये सॉफ्टवेयर हैं, ये सारे स्किल्स हैं यार, ये सीखे जा सकते हैं. कुछ लोग टैलेंटेड होते हैं बाय बर्थ, जिनके विदाउट नोइंग के वो कौन से रूल्स अप्लाई कर रहे हैं, उनके कलर स्कीम्स ही इतनी आला किस्म की निकल के आ रही होती है. आपने देखा होगा कि यार ये बंदा जब भी कोई चीज़ डिज़ाइन करता है, इसके कलर्स बड़े आला होते हैं, उसके अंदर गिफ्टेड है. और अगर आपके अंदर गिफ्टेड नहीं है, तो यू हैव टू लर्न द साइंस ऑफ कलर्स. टाइपोग्राफी समझें कि बैलेंसिंग क्या होती है. ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रूल्स हैं, ये रूल्स आपको सीखने पड़ेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे ड्राइविंग का लाइसेंस लेने के लिए आपको कुछ रूल्स सीखने पड़ते हैं. बहरहाल, बहुत सारे लोग वैसे ही छप्पड़ में भी लाइसेंस बना लेते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि फिर सड़कों का क्या हाल होता है. लोग फास्ट लेन में 40 की स्पीड से जा रहे होते हैं जस्ट बिकॉज कि उनको नॉलेज ही नहीं है कि भैया ये फास्ट लेन है, इस पर भगाना है. 40 की स्पीड नहीं है यहाँ पे 80 की स्पीड तो कम से कम रखो यार. सो जो हमारी सड़कों का हाल है, वही फ्रीलांस की मार्केट का हाल हो गया. जिनको पता नहीं है कि ये है क्या चीज़, घुस पड़े काम करने के लिए. तो आपसे सबसे एक छोटी सी गुजारिश, प्लीज़ पॉलिश योर स्किल्स फर्स्ट, फिर मार्केट में कूदें. अच्छा, ग्रेजुअली ऊपर आएँ. जिस तरह मैंने कहा ना, गाड़ी चलाने के लिए पहले गलियों में चला रहे हैं, उसके बाद फिर रोड्स पर आ रहे हैं, फिर बड़ी रोड्स पर आ रहे हैं, फिर उसके बाद हाईवेज पर जा रहे हैं, फिर उसके बाद सोचा जाएगा कि जी हाँ, रेसिंग लगा सकते हैं या नहीं. उसी तरह से फ्रीलांसिंग में भी करें. अब आपको मैं एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करें पहले तो बहुत ज़्यादा, ताकि आप सोल्यूशन प्रोवाइड, याद रखिएगा, डिज़ाइन इज़ अ सोल्यूशन. ये मैंने अपनी ग्राफिक डिज़ाइन थ्योरीज में भी बताया, डिज़ाइन इज़ अ सोल्यूशन. सो पहले आप सोल्यूशन प्रोवाइडर बने. मुझसे कई सारे लोग कहते हैं कि सर हमने वो फलाने ट्यूटोरियल से देख करके एक बैनर डिज़ाइन किया था या लोगो डिज़ाइन किया था, वो हमने अपनी गिग में लगाया. ओ खुदा को मानो यार, दुनिया ने वही लोगो और वही बैनर बनाया हुआ होगा, आप कैसे मतलब एक बनी बनाई चीज़ को अपने पास करके दिखा देते हैं कि जी आओ जी मैं ये बना सकता हूँ. क्या वही बना के दोगे?
हर एक को डिफरेंट चाहिए बॉस, हर एक को डिफरेंट चाहिए। मैं अगर अपना सूट सिलवाता हूँ, बीस्पोक सूट क्या होता है कि मेरी बॉडी के साइज के लिहाज से बनेगा, तो कोई बहुत ही एक्सपर्ट होगा ना, उसको मैं 20,000 रुपये सिलाई भी दे दूंगा, क्योंकि मेरा कपड़ा भी कोई कम से कम 15,000 से 20,000 का होगा, क्योंकि आपको सबको पता है कि अगर एक बहुत ही एलीट किस्म का आप सूट सिलवा रहे हैं तो उसमें पैसा लगता है, और एलीट किस्म के काम के लिए आपको एलीट किस्म की प्रैक्टिस चाहिए। वो टेलर के ऊपर मैं 20,000 खर्च करने के लिए तैयार हूँ सिलाई के लिए, जस्ट बिकॉज के उसका उसकी एक्सपर्टीज है, उसका एक नाम है मार्केट में। आपको वो बनना है, आपको उस लेवल पे आना है। सुनाओ, अब जब आपकी प्रैक्टिस हो गई ठीक ठाक, तो उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपने ये करना है कि डिफरेंट लोगों के लिए, मतलब आपके आसपास जो भी हैं, आपके अंकल हैं, आपके कज़न हैं, आपके कोई भी बड़े भाई हैं, फादर हैं, उनके लिए चीज़ों को डिज़ाइन करना शुरू करें। दिस इज़ योर फर्स्ट प्रैक्टिस, एंड यू नो व्हाट, अगर वो अच्छा डिज़ाइन होता है, प्रिंट होता है, मिसाल के तौर पे एक बिजनेस कार्ड उनके लिए आपने डिज़ाइन कर दिया, या आपने एक लोगो, तो मैं अभी बिल्कुल नहीं कहूँगा आपको बिजनेस कार्ड डिज़ाइन कर दो, उनका एग्जिस्टिंग लोगो है तो उनके लिए, अगर उनकी शॉप है किसी की तो उनके लिए एक साइन बोर्ड जो होता है वो डिज़ाइन कर दो। छोटी छोटी सी चीज़ों के ऊपर आना शुरू हो, सही है। उनकी अगर फेसबुक मार्केटिंग चलाना चाह रहे हैं तो वो शुरू कर दें, सोशल मीडिया मार्केटिंग उनके लिए आप शुरू कर दें, फ्री में कर दें यार, कोई मसला नहीं है। दिस इज़ योर प्रैक्टिस, स्टार्ट लें, आप इसी दौरान बहुत कुछ सीखेंगे। दूसरी एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, ग्रैब सम इंटर्नशिप, आप इंटर्नशिप पे जाएं, आपको दिखेगा कि लोग प्रोफेशनली किस तरह से काम करते हैं। लोकल आपके सिटी में कोई ऑफिस में अगर आपको इंटर्नशिप मिल जाती है, बहुत एक्सीलेंट है, ना लें पैसे, कोई मसला नहीं है। अगर दे देते हैं वेल एंड गुड, नहीं देते हैं कोई मसला नहीं है, इंटर्नशिप करें ताकि आपको प्रोफेशनली काम कैसे होता है एनवायरनमेंट देखने को मिले, आपको समझ में आए कि लोगों के साथ इंटरेक्शन कैसे की जाती है। ये सारी चीज़ें करना शुरू हों, एंड बिलीव मी, विद इन 3 to 4 months आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा, और आपको दिखेगा कि यार हम जो सोच रहे थे ना वो गलत था। दिस थिंग टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। आई होप आप लोग इस छोटी छोटी सी चीज़ों को समझेंगे। मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू करने वाला हूँ, अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, एंड मैं समझता हूँ कि ये इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यूजुअली ये सारी चीज़ें मैं लाइव स्ट्रीम में मैं कहता था, और लाइव स्ट्रीम मुझे पता है बहुत लंबी होती है, बहुत सारे लोग पूरी नहीं देखते। छोटी छोटी वीडियोज़ आने वाली हैं, बहुत सारी आने वाली हैं, बहुत कुछ आपको नॉलेज मिलने वाली है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। बाय द वे सब्सक्राइब बहुत सारे लोगों ने नहीं किया हुआ, मुझे पता है आपने भी नहीं किया हुआ, कर लो। थैंक यू। Thank you.